स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मौसम समाचार में। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही कि यूपी मौसम अलर्ट, अगले 24 घंटों में कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग अलर्ट, रहे सावधान। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन किन इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें यूपी के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। राज्य में आपको बता दें एक दो दिनों में कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर कहीं सामान्य बारिश हुई तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। पूर्वांचल में कहीं कहीं तो सामान्य बारिश हुई। आपको बता दें राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी सूचना है। आपको बता दें कि मानसूनी हवाएं लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो इन हवाओं का जोर दे रहा है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुसार आपको बता दें एक दो दिनों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक से दो बार छिटपुट या सामान्य बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कल को दिन में अधिकांश समय धूप निकली, गर्मी और उमस का भी जोर रहा। दोपहर बाद ट्रांस गोमती के कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ी। वहीं मौसम विभाग ने आज को राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है और चेतावनी दी है कि छुटपुट स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। आपको बता दें बाढ़ का क्या है प्रकोप। इसी बीच आपको बता दें कि प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया है कि राज्य में बाढ़ संबंधी कोई चिंता की बात नहीं है और सभी तटबंध सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि गंगा नदी बदायूं में, शारदा नदी लखीमपुर खीरी में, घाघरा नदी अयोध्या और बलिया में, राप्ता नदी गोरखपुर तथा सिद्धार्थनगर में, रोहिणी नदी महाराजगंज में, कुआनो नदी गोंडा में तथा गंडक नदी कुशीनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रसाद ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचक बल, SDRF राज्य आपदा मोचक बल और PSC तैनात की गई है। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं की वजह से निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्व अनुमान जताया है। वहीं इस अंतराल में तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कुछ क्षेत्रों में धूप बने रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उमस भरी गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। अंत में आपको बताते चले कि आज यूपी के जत्तारी, खैर, दबोई, नरोरा, शिकारपुर, पहसू, खुर्जा, कासगंज, मुरादाबाद, अमरोहा और रामपुर में आंधी वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने वाली है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।